माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं एक चीज पूछता हूं तुम्हों से, तुम कहाँ रहते हो? कुछ बच्चे, जैसे बच्चे मान लो कि तुम बिहार में, यूपी में, या वेस्ट बंगाल में, पंजाब हरियाणा में रह रहे हो, इसका मतलब को किस तरह का ट्रेन है? यदि तुम सपोज इफ यू आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश, यू आर लिविंग इन बिहार, यू आर लिविंग इन पंजाब हरियाणा एक्सेट्रा, इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ टेरेन यू आर लिविंग। कुछ बच्चे मान लो इंडिया के सदर्न भाग में, यानी कर्नाटका में, गोवा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं। तो बच्चे, जो बच्चे इंडिया के सदर्न भाग में रह रहे हैं, इसका मतलब कि तब वे बच्चे किस तरह के टेरेन में रह रहे हैं, किस तरह के लैंड एरिया में तब रह रहे हैं, वहां का टेरेन क्या है, वहां का लैंड सरफेस कैसा है? बच्चे, यदि तुम जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो, उत्तराखंड में रह रहे हो, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, या नॉर्थ ईस्टर्न के किसी स्टेट में रह रहे हो, तो वहां का इसका मतलब कि वहां का टेरेन कैसा है, वहां का लैंड सरफेस कैसा है, तुम बता सकते हो? राइट स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर लिविंग इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसका मतलब कि वह माउंटेनस एरिया है। बच्चे, यदि तुम लोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रह रहे हो, वह माउंटेनस एरिया है। यदि तुम उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा में रह रहे हो, इसका मतलब कि वह प्लेन एरिया है। बच्चे, यदि तुम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु के एरिया में रह रहे हैं, इसका मतलब है कि वह प्लेटू एरिया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, वो भी प्लेटू एरिया है। जैसे सदर्न इंडिया का डेक्कन प्लेटू रीजन है, छत्तीसगढ़ झारखंड का छोटनागपुर प्लेटू रीजन है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का मालवा प्लेटू रीजन है। तो ये जो प्लेटू रीजन है, किधर प्लेटू है, किसी तरफ माउंटेनस एरिया है, किसी तरह प्लेन एरिया है, मतलब कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया हो गया, प्लेन एरिया है। तो वेरियस, इट मीन्स वी कंक्लूड दैट वी कम टू द फैक्ट दैट द लैंड सरफेस इज नॉट इवन, समवेयर देर इज माउंटेन, समवेयर देर इज प्लेन, समवेयर देर इज प्लेटू, समवेयर देर इज हिल। मतलब कि यह जो लैंड सरफेस है, यह अनइवन है। सम योर रज्ड टेरेन, कहीं पर रज्ड टेरेन है, रज्ड टेरेन इसका तो उबड़ खाबड़ जहां पर सतह है, सरफेस है, वह हो गया रज्ड टेरेन। कहीं हाई माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है। तो अब देखिए बच्चे, तुम लोगों के मन में होता होगा कि आखिर यह क्यों, व्हाट इज द रीजन दैट सम योर प्लेटू, सम योर हिल, सम योर माउंटेन, सम योर प्लेन, व्हाई द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ टेरेन, राइट? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब क्या इसके मेन रीजन क्या है। अब बच्चे, आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत एक ऐसा विशाल कंट्री है जहां पर डिफरेंट तरह के रॉक्स भी मिलते हैं, ए वैरायटी ऑफ रॉक्स आर देयर इन आवर कंट्री। कहीं पर इग्नियस रॉक है, वेरी हार्ड रॉक, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, ग्रेनाइट चट्टाने है, तो कहीं पर बेसाल्ट चट्टाने है, कहीं पर बहुत से सॉफ्ट रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी है। तो हमारा लैंड सरफेस जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बना हुआ है, जिससे मिनरल्स प्राप्त करते हैं, वैरायटी ऑफ मिनरल्स वी ऑब्टेन, ठीक। तो और ये जो रॉक्स है, रॉक्स आर ऑल्सो गेट वेदर्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस, रॉक्स गेट वेदर्ड, रॉक्स गेट ऑल्सो ब्रोकन इंटू ए स्मॉल पीसेस, वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये जो माउंटेन कहीं है, माउंटेन के बहुत से माउंटेन की ऊंचाई घट गई है, सम पार्ट्स ऑफ माउंटेन्स आर इरोडेड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर और रिवर्स रनिंग वाटर। फिर तो हम ये पाते हैं, ये हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि कहीं पर चट्टानी एरिया है, कहीं पर रॉकी एरिया है, कहीं माउंटेनस एरिया है, कहीं रज टेरेन है, देर आर सम रीजन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच टेरेन, राइट। अब
मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यह जो सरफेस है, आप बच्चे आपको यह पता होगा कि हमारा जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सरफेस है जिस पर हम रह रहे हैं, यह लिथोस्फीयर का सबसे ऊपरी भाग है, क्रस्ट है। ठीक, तो यह जो लिथोस्फीयर है कई भागों में बट गया है, टूटा हुआ, यानी इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल पार्ट्स। तो यह जो क्रस्ट है, द क्रस्ट इज स्प्लिटेड, डिवाइडेड इंटू सेवरल पीसेस। तो यह जो क्रस्ट है जिस पर हम रह रहे हैं, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग इज डिवाइडेड इंटू सेवरल पीसेस। यह जो पार्ट्स है क्रस्ट का, क्रस्टल पार्ट्स आर नोन एज प्लेट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेट्स। ये प्लेट्स, ये जो टुकड़े हैं क्रस्ट का, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और डीप और उन लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स। अब देखिए प्लेट्स क्या है, तो दीज प्लेट्स आर द पार्ट ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट कई भागों में बट गया है, और क्रस्ट कई भागों में बट गया है तो इसके पीछे भी रीजन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो देख रहे हैं अर्थ, अर्थ है सेवरल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। कॉन्टिनेंट्स एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यस, ऑस्ट्रेलिया, दे आर द कॉन्टिनेंट्स। एंड ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, दे आर द ओशंस। तो बच्चे तुम लोग को ये जानना चाहिए कि पहला हमारा सबसे पहले हमारी अर्थ इन द इन द बिगिनिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज, देयर वाज अ सुपर लैंड मास। वह सुपर लैंड मास को क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? सुपर लैंड मास वाज नोन एज पेंजिया। पेंजिया बोलते हैं, राइट? तो पेंजिया क्या है? पेंजिया रेफर टू सुपर लैंड मास। ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेयर ज्वाइंट टूगेदर। सभी कॉन्टिनेंट को एक साथ मिलाकर एक लैंड मास था जिसको पेंजिया बोलते हैं। और इस पेंजिया वर्ड किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में, इन अर्ली 20th सेंचुरी, अल्फ्रेड वेगनर वाज जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने 1912 में यह सिद्धांत दिया कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया दैट वाज कॉल्ड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द थ्योरी विच वाज गिवन इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट व्हिच नेम वाज अल्फ्रेड वेगनर। ही गेव द थ्योरी दैट इज नोन एज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सुपर लैंड मास विच वॉज नोन एज पेंजिया, इट वॉज स्प्लिटेड इंटू सेवरल पार्ट्स। और जिसको आप आज देख रहे हैं अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के रूप में कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं, में ये प्लेट्स क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो द प्लेट्स, द क्रस्टल प्लेट्स व्हिच आर फ्लोटिंग ओवर द लिथोस्फीयर अपर पार्ट ऑफ मेंटल, वी आर नॉट, वी आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक जो है वह द प्लेट्स व्हिच ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द अर्थ इन द स्ट्रक्चर। टेक्टोनिक रेफर्स टू द चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड टेक्टोनिक। प्लेट्स वर्क क्रस्ट, द पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट दैट ब्रिंग अबाउट द चेंजेस ओवर द अर्थ सरफेस दैट आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स।
and that and the theory of tectonic plates has been brought from the theory of continental drift theory. Understand? So they are the theories, plate tectonic theory and continental drift theory. They give us knowledge about the formation of mountain, plate to plain, etc. ठीक है बच्चे, तो आज मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया क्लास 9 के बच्चों के लिए. पहला ये ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में या आई गिव यू ए जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लेट्स. नाउ आई विल नेम द प्लेट्स एंड व्हेन टू प्लेट्स आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज और ट्रांसफॉर्म दे फॉर्म व्हाट प्लेट बाउंड्री. जब दो प्लेट या तो एक दूसरे की तरफ आती है या दूसरे से दूर भागती है या एक दूसरे की तरफ चलती है, वे डिफरेंट बाउंड्री बनाते हैं, उन्हें कहते हैं प्लेट बाउंड्री. तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हिच आर थ्री इंपॉर्टेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट बाउंड्री. ठीक है बच्चे, तो लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि प्लेट बाउंड्री जो है वो कंटिन्यूटर ड्रिफ्ट थ्योरी से लिया हुआ है, जो जिसके ये जो वेगनर के द्वारा कंसेप्ट दिया गया है. ठीक है बच्चे, यदि वीडियो आप लाइक कीजिएगा, यू शुड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू वेरी